आपके लिए उससे भी बड़ा एक चैलेंज लेकर आया हूँ। कर लेंगे। देखें, चैलेंज ये है कि आप अपना चैनल डिलीट कर दें अभी। अबे अबे भाई, अबे भाई। क्या हाल है, फिर से वापसी। तो भाइयों, आपका भाई आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आया, और वो इतना खतरनाक कद्दू का सरप्राइज यार। एक तो ये थंबनेल और टाइटल की वजह से ना सारे सरप्राइज खराब हो जाते हैं। लेकिन खैर, तुम्हारा भाई आज तुम्हें मिलवाने वाला है पाकिस्तानी मिस्टर बीस्ट से, पाकिस्तानी फुकरा इंसान से। तो रेडी रहो, बस तैयार हो रहे हैं और निकल रहे हैं। मतलब हम निकल रहे हैं, कुछ और नहीं निकल रहा। सो भाई साहब, हमेशा की तरह कराची में आई जरा लेट सर्दी, लेकिन अब जब आ गई है तो अपन तो पूरा फायदा उठाएंगे। और ये देखो, एस्थेटिक का 10, 11, 12, 13, 14 हक दिया। अभी तो चुपकता रहता है। हड़िया हड़िया हड़िया, अबे नीचे से हाथ हटा। हाथ तो मेरे ये दे। बाहर जाने से पहले मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ बाइनोमो ऐप के बारे में। यहाँ पे मैं अपने छोटे मोटे खर्चे ट्रेडिंग करके निकाल लेता हूँ, और तुम लोगों को भी मैं बताता हूँ, यहाँ पे अभी चल रही है वर्ल्ड ट्रेडिंग चैंपियनशिप, जहाँ पे आप जीत सकते हो बहुत सारे रिवॉर्ड्स, बहुत सारे गिफ्ट और टेस्ला। तो जल्दी से आओ। सबसे पहले आपने बाइनोमो ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने इस तरह का डिस्प्ले आ जाएगा। जैसे ये डिस्प्ले आएगा तो आपने क्लिक करना है यहाँ पे WTC पे। यहाँ पे चल रहा है वर्ल्ड ट्रेडिंग कप 2023, जो कि शुरू हो चुका है 4 दिसंबर 2023 से। तो फिर आपने जाना है नीचे, यहाँ पे मिल जाएंगे आपको दो ऑप्शन, स्प्रिंट 150 डेली। इन दोनों में हिस्सा लेके आप बाइन पॉइंट अर्न कर सकते हैं, जिनके साथ आपको बहुत सारे गिफ्ट और रिवॉर्ड्स मिलेंगे। स्प्रिंट 1 पे आएंगे तो इस इवेंट में आपको ज्यादा से ज्यादा बाइन पॉइंट अर्न करने का मौका मिल सकता है। अगर इस इवेंट में आपकी ट्रेड सक्सेसफुल हो जाती है तो आपको डबल बाइन पॉइंट मिल जाएंगे, और अगर आपकी ट्रेड अनसक्सेसफुल हो जाती है तो आपने जितने भी बाइन पॉइंट लगाए होते हैं वो आपको वापस मिल जाती है। फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ 50 डेली के बारे में। इस इवेंट में आपको डेली की 50 ट्रेड्स करनी होंगी, और हर सक्सेसफुल ट्रेड पे आपको 2 बाइन पॉइंट मिलेंगे, और अनसक्सेसफुल ट्रेड पे आपको 1 बाइन पॉइंट मिलेगा। आप ट्रेड कितने की कर रहे हो, कितने की नहीं कर रहे, ये मैटर नहीं करता। इवेंट में टॉप 20 आने वालों को ये रिवॉर्ड दिए जाएंगे। और ट्रेडिंग करना तो इस पे और भी आसान है। ट्रेडिंग में बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, जिसका यूज करके आप अपनी ट्रेडिंग और भी आसान बना सकते हो। अपने ग्राफ देख के प्रेडिक्ट करना है कि वो अप जाएगा या डाउन। ये तमाम ट्रेड्स आपने अपने रियल अकाउंट पे करनी है। यहाँ पे मेजोरिटी कह रही है कि ये नीचे आएगा, तो हम लगाएंगे अप डाउन पे पैसा। तो फाइनली हमारी ट्रेड हुई सक्सेसफुल और हमें हुआ प्रॉफिट। तो भाई साहब, इन इवेंट में हिस्सा लेके ज्यादा से ज्यादा बाइनेंस पॉइंट कमाएं, क्योंकि यहाँ पे टॉप 20 लोगों के दरमियान कंपटीशन होगा। जो फाइनलिस्ट होगा उसको टेस्ला मिलेगी। पैसा विड्रॉ और डिपॉजिट करने के आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि बैंक ट्रांसफर, कैश माल, बाइनेंस पे। तो जल्दी से भाग के जा, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक कर, उसको डाउनलोड कर, और डिपॉजिट करने से पहले ये प्रोमो कोड यूज कर लियो, तेरा डिपॉजिट डबल हो जाएगा। और उसी के साथ साथ चैंपियनशिप में हिस्सा लियो, तुझे गिफ्ट, रिवॉर्ड और टेस्ला मिलेगी। जल्दी से भाग के जा। थैंक्स मिलेटर, और मैं भी जाता हूँ भाई। अब हम रुक जा। मज्जू भाई, मज्जू भाई, मज्जू भाई पे कपड़ा पड़ेगा थोड़ा सा, और मज्जू भाई फिर से एकदम चमकदार हो जाएंगे। मज्जू भाई को लेके जाएंगे आज। भाई साहब, जिंदगी में ना किसी चीज से डर नहीं लगता सिवाय इस चीज के यार। इसमें ना कोई वो नहीं लगा हुआ होता कि ये कंटेनर कभी भी गिर सकता है। तो भाई कोशिश किया करो, इससे बच के चला करो यार। दुबई दुबई यार। दरअसल हमें जाना था एक काम से, तो मैंने साजिद भाई को मैसेज किया कि यार चलो मिल भी लेते हैं इसी बहाने से, क्योंकि ये रहते भी वही है। तो चलो का भाई पहुंच चुका है और सारे काम आप निपट गए, तो अभी मैं आपको मिलवाने वाला हूं। गाइस बस रेडी हो जाओ, आप सब लोग बी रेडी, बस अभी रेडी हो जाओ। जो मैं आपको दिखाने वाला हूं ना, ये देखो, मैं आपको इससे मिलवाने वाला था। ये है मोहम्मद। मोहम्मद भाई कैसे हो? और सब खैरियत? अरे यार मस्ती कर रहा था यार। और अभी सीन ये है कि आपके लिए उससे भी बड़ा एक चैलेंज लेकर आया हूँ। कर लेंगे पक्का। हाँ, हो जाएगा यार। आपने इतने खतरनाक चैलेंजेस किए, ये तो उससे भी ज्यादा आसान है। आपने करना ये होगा, पहले आई कांटेक्ट करें मुझसे। शर्मा गई? हाँ, शर्माना नहीं है भाई। देखें, चैलेंज ये है कि आप अपना चैनल डिलीट कर दें। अभी अबे अबे भाई अबे भाई।
अबे पकड़ भाई, नहीं भाई अब आया ना लाइन पे। चलो मेरा जो चैनल तुम्हारे सब्सक्राइबर के बराबर वाला होगा मैं अभी डिलीट करता हूँ, तू अपना दे दे। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। नहीं नहीं लेकिन हमें एंटरटेन होना है ना यार। चलो अदला बदली कर दो चैनल की। नहीं नहीं भाई बैठे हैं मजाक भाई। देखो अरे तो मेरा ही चैनल लेने पे आ रहा है, उनका डिलीट होगा तो तुम्हारा जाएगा ना। कौन सा वाला लेंगे मेरा, मतलब चैनल एक पे एक करते नहीं नहीं एक पे 7 लाख सब्सक्राइबर्स हैं सही है, और एक पे 1,20,000-30,000 के करीब। कौन सा वाला चाहिए यार, जिस पे तुम्हारी शक्ल कम आई हो। इतनी गंदी मेरी इमोशनल डैमेज। ऑडियंस पहचानेगी ना, बोलेगी किसका चैनल है, तो अपन यूज कर सकते हैं कोई भी चैनल। अच्छा तुम लोग एक चीज बताओ, मुहेबाज हो गया 11 साल का। अरे माशाल्लाह, केक की तो तुमने वैसे हालत खराब करी हुई है। बैठ बैठ के ना हम लोग खा चुके हैं थोड़ा थोड़ा। ये देखो ये 11 साल का हो चुका है, ये भी खाने वाला है ना। हाँ ये खाने वाला है। खाओ खाओ। नहीं नहीं खाने। ये प्रैंक हो गया आपके साथ, प्रैंक हो गया आपके साथ, प्रैंक हो गया आपके साथ। तो ये भाई अब आप भी कोई चैलेंज ले लो ना यार। बेस्ट विशेस, अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे, और बाकी कहाँ है वो कंटेंट कहाँ है। क्योंकि भाई मेरा कंटेंट तो इन्होंने बंद करवा दिया। इन्होंने छूटते मुझसे एक बात बोली, देखो यार वो सीन नहीं करना जो तुम अपनी रोस्टिंग में करते हो। हाँ। समझ रहे हो ना, वही वाला कंटेंट हमारा जो। मैं तो देखो मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ ऐसे लड़कों की। ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूँ लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। जो आए हैं और न्यू अपने अपने बलबूते पे मेहनत कर रहे हैं, कोई लेबल नहीं है पीछे, कुछ भी नहीं है। सही गरीबी नहीं बेच रहे, हम ये काम करते हैं, अच्छा सिंपति नहीं ले रहे। तो ये मेहनत करने वाला बंदा है, तो मैं ना तुम्हें एक चैलेंज देना चाह रहा हूँ सीरियसली। सही है, मैं ये चाहता हूँ कि गाइस आप लोगों के सामने ये बंदा ये चैलेंज करे। थोड़ा सा डिफिकल्ट है चैलेंज, तुम्हारी तरह वाला नहीं है। सही है, सीरियसली बहुत डिफिकल्ट चैलेंज है। तुमने बैठना नहीं है, ये बात तुम लोगों ने मेक श्योर करनी है। बैठना नहीं है, आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड वो जो नहीं मिलते एमिरेट्स के, वो वाले लगा के आंखें नहीं खोलनी। जो मुंह में जा रहा है जो पेट में जा रहा है जाने दो। और अगर किसी ने कुछ गंदा सीधा गंदा गंदा डाल दिया मुंह में, मतलब यार तो कचरा डाल मैं दिया। अच्छा आदमी, मेरे साथ अच्छी चीजें हो रही है ना। अब वो तुम्हारी अपनी हो रही है। तो बहुत कमीने है, कचरा वचरा डाल देंगे मुंह में। नहीं नहीं यार कचरा नहीं, खीरा इस तरह गाजर वाजर ये चीजें खिला। हां ये तो देख लेंगे यार, खीरा तो राजा जी खा लेंगे। तो ये चैलेंज है लाजमी, बस ठीक है। ये चैलेंज अगर तुमने कर दिया ना तो मैं तुम्हारी स्टोरी डालूंगा बस। वैसे उससे हुआ कुछ भी यार, मैं उधर आ जाऊंगा ना, मेरे लिए बहुत है। और भाई अच्छा वो बताएं अपनी वीडियो का बताएं जो आने वाली है। यार देखिए मेरी एक ऐसी वीडियो आने वाली है जो कि बड़े क्रिएटर के साथ कोलैब है, इतना मैंने बता दिया और मैंने आज तक कभी किसी को बताया नहीं है। ये तो हम नजर उतारने के नजर वट्टू लाए। क्योंकि इतना बड़ा कोलैब हो रहा है, मैंने कहा भाई यार मैंने सही बात बताऊं आज तक किसी भी वीडियो में इस बारे में जिक्र नहीं किया। आप आए मैंने डायरेक्ट आपको बोला कि कुछ होने वाला है मेरे चैनल पे, आएगा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की चीज। सही है, और आप लोगों को हम दोनों भाई इंशाल्लाह आगे साथ में, क्योंकि ये मैं आपको बताऊं पर्सनली आप लोगों ने इसकी ये वाली साइड नहीं देखी। बहुत स्वीट है, क्या बात है, बहुत नेक है, बहुत अच्छा इंसान है, ये वाला नहीं बता सकता। वही चीज है जो तुम देखना पसंद करते हो। आप यकीन नहीं करोगे, ही इज अ गुड लिसनर, अच्छे से बात सुनता है, समझता है चीजों को। यार यकीन करें वो भी इसी वजह से मुझे पसंद करती है कि मैं बैठ के सुनता हूँ उसकी। ठीक है समझ गया। सिर्फ एक दफा वो आवाज सुनाता है, वही वाली कौन उस वीडियो की आवाज, 1 सेकंड की आवाज सुनाइएगा और फिर आप लोग गैस किएगा कि वो बंदा है कौन। मतलब समझ जाओ, नहीं मत समझो, जब वीडियो आए तब समझ। यार आवाज सुना तो देते लेकिन क्यूरियोसिटी मर जाती इस वीडियो की, तो मैंने सोचा इसको यही छोड़ देते और हमारे रिएक्शन देखो जरा। भाई साहब अच्छा उस वीडियो, अभी जो वीडियो बनाकर आए इसके लिए ना, तो इसके लिए कितना टाइम लगा है? यार हमें 5 दिन लगे। हम देखो 10 घंटे में 11 घंटे जाने के बस में, फिर 3-4 घंटे बोट में, बोट का प्लग भी शार्ट था, सच में शार्ट था, तो उसकी वजह से 1 दिन हमें एक्स्ट्रा लगा पूरी प्रोडक्शन पे। बहुत खुआरी हुई है गाइस, बहुत खर्चा हुआ है। आपको मेरा रंग देखा,
खर्चा खर्चा नहीं खर्चा बस छोड़ अबे दो भाई छोड़ दो, चार वीडियोस से जो कमाया एक में लगाया है भाई। और मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरे जो ड्रीम है ना, देखो मतलब यार मतलब क्या। ये मैं एक बात बताऊँ तुम्हें, हाँ ये तुम्हें एक और शर्फ हासिल है, मुहिब का ये बटन किसी ने भी आज तक नहीं देखा। अच्छा ये वाला दिखाओ क्योंकि मेरी वीडियो है अनसिंकेबल, उसमें दिख चुका है ये बटन, पर ये है कि वो वीडियो अभी रिलीज नहीं हुई, उसको टाइम लगेगा थोड़ा सा। मतलब यार तुम लोग खुद सोचो कि एक तुम्हारा रूम हो, ऐसे तुम लोग यूं आए और सामने ये लगा हुआ हो और फिर अपना एक लोगो लगा हुआ हो नाम का। एक एक बटन मेरे पास और भी था, उस पे मैंने हैप्पी बर्थडे और मेरी वाइफ का नाम लिख के उसको भी है ही बहुत बटन यार। अरे यार बड़े बड़े लोगो में आ गए साथ भाई। यार ऐसी बात नहीं है, इन सब की बड़ी इंपॉर्टेंस है। आप बताओ अपने सब्सक्राइबर वाले बटन में जो सब्सक्राइब गायब हो गया। अबे यार वो तो घर के बच्चों ने गायब कर दिया। मैं दिखाऊंगा तुम्हें, अभी घर जाऊंगा ना तो मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा कि वो सब्सक्राइबर्स का ई मिटा हुआ। क्या मतलब मेरे खातिर करते थे क्या डिलीट आप चैनल? हाँ करते थे यार डिलीट, गरीबों की मदद करनी चाहिए भाई। मैं सिर्फ शक्ल से गरीब हूँ वैसे अमीर हूँ। ओ भाई बहुत ज्यादा है। लेकिन एक बात बताऊं, अगर चैनल डिलीट हो जाता ना, ऑडियंस कुत्ते की तरह मारती है आपकी। सही बात, बच्चे वाले यार देखो ना, घर तक आ जाती है, बच्चे घर तक आ जाते हैं भाई। हाँ। बच्चे तो घर पैदा भी हो जाते हैं और वही मारने लग जाते हैं, शायद तेरे घर पे बच्चे देख रहे हो मुझे। और अभी ना वैसे भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो बच्चों को रोकेगी। और मुझे आपसे मिलके ऐसा लगा पुराना वक्त याद आ गया मुझे, जब हालत बुरी होती थी ना। अब हम बाहर निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं घर, तो बस बहुत अच्छी मीटिंग रही, बहुत अच्छा सब कुछ, मेरे सारे काम वाम भी निपट गए और बस। और कैसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना। अच्छा तो गाइज अपने मज्जू भाई ये खड़े हुए और मज्जू की दुल्हन भी है यहाँ पे। वैसे एक बात बता, अगर LGBT सपोर्टर बोला तो इतनी वो कर रहे होते हैं कि नहीं LGBT नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और लौंडेबाजी खुल के कर रहे होते हैं। गाइस मुझे पेशाब आ रहा है, वॉशरूम है भाई, पानी नहीं है यार, पेशाब आ रहा है। तो भाई और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, वीडियो इज गोइंग टू एंड। वीडियो को कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो अपना फेवरेट पार्ट लाजमी कमेंट करना, और आप लोगों को इस तरीके के मेरे और भी कोलैबोरेशंस पसंद आ रहे हैं। बेसिकली ये कोलैबोरेशंस नहीं होते, मैं चाहता हूं अपने सीनियर जो भी होता है, भले वो व्यूज में सीनियर्स हो, भले वो सब्सक्राइबर्स में हो, भले वो काम में हो, भले वो एज में हो, तो उससे सीखते हैं। आसान हो गई बाकी बात, थोड़ी सी रोस्टिंग और थोड़ी सी व्लॉगिंग करते हैं ताकि व्लॉग में थोड़ी बकचोदियां आ जाए। तो भाई आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसका कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई लव यू मेरा बच्चा।